पे रानी की वाव है। पाटन शहर का नाम पाटन इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड फेमस पटोला साड़ी वो बनती है, तो उसी के नाम से उस शहर का नाम पाटन पड़ा। हम पहुँच चुके हैं पाटन और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स रानी की वाव। यहाँ पे किसी की शादी है, बहुत जोरों से डीजे चल रहा है। वे रीच्ड एट रानी की वाव, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत लग रहा है, मतलब बहुत खूबसूरत गार्डन बना है। दिस इज द पार्किंग स्पेस। तो चलो हम अभी टिकट खरीद के अंदर चले जाते हैं। गाइस वी आर एट रानी की वाव, तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनाया ये। इस जैसे मैंने कहा था कि रानी की वाव हैज़ ए हिस्ट्री, तो रानी की वाव, वाव इज़ बेसिकली अ वेल, वेल को वो वाव बोलते हैं। तो दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय उदयमती जो कि क्वीन थी ऑफ भीमदेवा, जिन्होंने मुडेरा का जो सन टेंपल जो बनाया था। तो टिल 1958 ये जो वाव थी ये सरस्वती नदी में फ्लड आने के वजह से ये पूरी मट्टी से भर गया था। एंड इन 1958 द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने इसे एक्सकवेट करने का सोच लिया, और ये पूरा एक्सकवेट करने के लिए 20 साल लगे थे। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट केप्ट स्टेपवेल इन इंडिया। तो अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स रानी की वाव, विच इज वेल, या तो फिर बावड़ी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी अगर देखोगे आप तो ये आसपास का जो एरिया है काफ़ी ब्यूटीफाई किया है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं रानी की वाव, अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये। और ये वेल 1958 तक पूरा मिट्टी से भरा था, और इस 1958 के बाद इसकी पूरी मिट्टी निकाली गई और उसे लगे 20 साल। इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। अभी हम इसके नीचे वाले फ्लोर्स पे जा रहे हैं। सुपर्ब, ब्यूटीफुल। This is really incredible, guys. Hats off to the guys जिन्होंने ये काम किया है। और हमें लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज इंजीनियरिंग में काफी आगे हैं। गाइस आप देख सकते हो कि बेसिकली ये जॉइंट्स है, मतलब दो पत्थरों के बीच में एक गैप करके इसमें लॉक कर दिया है, इंटरलॉक्ड है ये सारे पत्थर, इंटरलॉक्ड है। आप देखोगे दिस इज द लास्ट पॉइंट जहाँ पे आपको अलाउड है, इसके नीचे
ये अलाउ नहीं करते। ये स्टेपल बनाया था रानी पद्मावती ने राजा भीम देव इनकी याद में, और सरस्वती नदी में जब भी बाढ़ आई थी उस बाढ़ के वजह से जो काफ़ी सारा मलबा आया, मट्टी आई, उसके वजह से ये कुआँ पूरी तरह से बंद हो गया था और किसी को मालूम भी नहीं था कि इधर यहाँ पे इतना खूबसूरत वेल है। तो 1958 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने इसको एक्सकवेट करने की ठान ली और करीबन 20 साल तक इसका मलबा निकालने के बाद ये खूबसूरत जो आप देख रहे हैं ये वेल आप सामने आया। और गाइस इसका नाम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी धूप है और अभी हम रानी की वाव जो वेल है हम लोग नीचे जाके हैं। मैं अभी आपको इसका ऊपर से नज़ारा दिखाऊंगा, ये इतनी डीप है। तो अभी हम जा रहे हैं उसी तरफ। गाइस अभी हम इसके ऊपर वाले हिस्से में हैं रानी के वाव के, और आप देख सकते हो दूसरी तरफ से ये कैसे दिखती है। So guys, this is how the Rani Ki Vav looks on the from the other side. आप देख रहे हो ये कितना deep है, it's super deep. और इतनी ऊंचाई तलक इस पर carving का काम किया गया है। Just imagine the commitment of these guys जिन्होंने ये काम किया है। सो गाइस रियली अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। और जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये जो रानी की वाव है ये बेल है आपको 100 रुपीज़ के नोट पे दिखेगी। सो दिस इज़ द सेम प्लेस विच हैज़ बीन पिक्चराइज ऑन दैट 100 रुपी नोट। सो आप रेफर कर सकते हो उसको। सो गाइस अभी हम रानी की वाव से निकल रहे हैं, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ 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 अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं विद अ न्यू लोकेशन। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं टू धोलावीरा विच इज़ अराउंड 250 to 300 किलोमीटर्स, और दोपहर के बजना भी एक, अभी हमें लंच भी करना है। तो देखते हैं कितने बजे तक हम पहुंचते हैं।